कोई व्यक्ति साधु के भेष में अगर गलत काम करता है तो हम उसके किए गलत काम का दोषी उस व्यक्ति को मानते हैं। हम कभी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि जिन देवताओं भगवानों में हमारी आस्था है उनका चरित्र क्या है। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी ये बाबा लोग कृष्ण के नाम पर करते हैं ये वही कुछ करते हैं जो करने के लिए कृष्ण का चरित्र इन्हें प्रेरित करता है। पांडाल की भीड़ के सामने जो कृष्ण का चरित्र कथावाचक बताते हैं वो तो महज एक छलावा है, सम्मोहित करने का माध्यम है। हकीकत में तो कृष्ण का चरित्र वही है जिसे ये आश्रमों की आरामगाहों में कभी उद्धार के नाम पर, कभी आशीर्वाद के नाम पर, तो कभी प्रेम धन के नाम पर लड़कियों पर अप्लाई करते हैं। अगर कोई तथा कथित साधु सन्यासी गुरु किसी महिला के साथ गलत काम करता है तो ये उसका कृत्य है, इसमें धर्म और भगवान का कोई दोष नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को 10-12 साल इस चीज में लगे कृष्ण भक्ति मार्ग में जुड़ी रही और वहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें देखी वो बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं उसको शेयर करूँ, जैसे आप लोगों को सुना मैंने। और लास्ट 2020 के बाद से चीजें मुझे समझ आनी शुरू हुई कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या सोसाइटी की। तो जो मेरी लाइफ है ना उसमें मैंने काफी हद तक बहुत सारी चीजें देखी है और मेरा मन है कि मैं उन चीजों को शेयर करूं। आप लोगों ने भी देखी होगी कास्टिज्म क्या है एक्चुअल में, तो वही चीजें है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। भक्ति मार्ग का जो एक घिनौना चेहरा है जो मैंने देखा है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रीम है शायद ये भी कम पड़ जाए इसके लिए। ऐसा है कि वहां पर जो ये तरीका अपनाते हैं, सबसे पहले किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, सभी परेशान है और सभी सोचते हैं कि चलो अध्यात्म में घुस के हमको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, यही सब सोचते हैं। खास तौर से ना यंगस्टर्स इस चीज की ज्यादा इसमें घुसते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 8-8 घंटे 64 राउंड माला, ठीक है, 8 घंटे माला जपना, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र, ठीक है, 8 घंटे की माला जिसमें 64 माला होती थी, 1 घंटे का तुलसी अर्चन प्रॉपरली, गुरु मंत्र, ये पूरा 10 घंटे का भजन और प्लस पूरे दिन भगवान से जुड़े रहो, इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी। बट एक्चुअल में ये लोग क्या होते थे ना कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पढ़ाते हैं, अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन जो हमारा दलित वर्ग है ना ये लोग इसमें बहुत जल्दी घुसते हैं और इस चीज को जानते हैं और बहुत ज्यादा डेडिकेट हो जाते हैं और अपना बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। मैंने भी काफी किया है। ये है कि समय रहते मैं फिर भी चीजें जान गई, मेरा भी दिमाग ऐसा हो गया था कि मैंने भी अपने घर से बिल्कुल ऐसा सोच लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, धामवास करना है, वृंदावन में रहना है। लेकिन वहाँ पे ना बहुत बुरा हाल होता है, वहाँ लड़कियों के साथ बहुत गलत चीजें होती है। वहाँ आए दिन आप एक नॉर्मली अगर वहाँ जाके उसकी गहराई को देखे ना, वहाँ पे सीक्रेट्स को जाने, तो भगवान के नाम पे वहाँ बहुत ज्यादा शोषण होता है गर्ल्स का भी और मतलब हर तरीके का। हाँ। तो एक बार सत्संग में हम लोग बैठे थे तो जो उस लड़की के मम्मी और उसका भाई बहुत ज्यादा रो रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे माताजी से, तो मैं सब कुछ देख रही थी। मैं मतलब प्रसादम की लाइन लगी थी तो मैं साइड में खड़ी होकर देख रही कि रो क्यों रहे लोग, तो वो बहुत रो रहे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे कि प्लीज आप उसको समझाइए, जवान लड़की है, सुंदर भी थी, वो है भी सुंदर, बहुत पढ़ी लिखी अच्छी लड़की, एक तो फॉरनर लाइक ऐसी लगती थी, तो वो बहुत रिक्वेस्ट करी। तो माताजी ने एकदम गुस्से से बोला कि मेरे पास मत आओ, अपनी लड़की को समझाओ, ठीक है। और लड़की ने जो दीदी थी उन्होंने हमको खुद बोला था कि माताजी ने बोला है कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मी पापा मर जाए, बट तुमको धाम नहीं छोड़ना है ना। तो वहाँ पे कान भर दिए जाते कि आपको अपना धाम नहीं छोड़ना और यहाँ बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को खुद समझाइए, हमसे बात मत कीजिए, इस तरह की चीजें। मैं अपने से जुड़े कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। देखिए सोसाइटी में क्या माना जाता है कि एक जो पर्टिकुलर कास्ट इन्होंने सिस्टम बना रखा है, ठीक है, उसके अंदर बोला जाता है कि ये नीचे जाती है और बोलते हैं कि ये लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं इसलिए इनको रूम वगैरह अवेलेबल नहीं दिए किए जाते हैं ना। बट एक्चुअल में चीजें कुछ और ही है। जब मैं कृष्ण भक्ति में थी ना प्यार लहसुन खाना, यहाँ तक कि मैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मतलब काफी उच्च संप्रदाय वृंदावन में सबसे उच्च संप्रदाय से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वहां पर बहुत कठोरता वाले नियम अपनाना, तो गाजर भी नहीं खाना, मसूर की दाल भी नहीं खाना, बहुत सारी चीजें थी और वो चीजें हमने की, मैंने की। एकादशी के व्रत करने, निर्जला एकादशी व्रत करना है, बिल्कुल पानी नहीं पीना, ये सब मैंने कर रखा है जैसे। बट ना मुझे चीजें समझ भी आ रही थी पर मुझे अच्छे से समझ नहीं आया था, वो मुझे 2020 में समझ आया और वो भी मुझे एक अम्बेडकर वादी मिले जिन्होंने मुझे चीजें समझाई कि एक्चुअल में ये है सच। और मैं भगवत गीता मेरे बैग में ही रखी रहती थी, इतना मैं उसको मतलब शास्त्र। बट जो वहां पे मैंने चीजें देखी, वृंदावन में भी ऐसा होता है
कि भगवान को ना सिर्फ वो लोग जो ब्राह्मण जाति के हैं, जो उच्च जाति के हैं, वो सिर्फ भगवान का ना यूज, भगवान के नाम का यूज कर रहे हैं लोगों का शोषण करने के लिए। ना सिर्फ पैसों वाला शोषण, मतलब आर्थिक शोषण नहीं, सेक्सुअल वाला भी अच्छे से किया जा रहा है। और इन लोगों के अंदर इतनी मतलब एकता होती है कि ये इनका चाहे इंसान कितना ही गंदे काम कर ले, बट ये उसको उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब ब्राह्मण कितना भी गिरा हुआ काम करे, कितना भी घटिया काम करे, लेकिन जो ब्राह्मण समुदाय है ना, अपने ही व्यक्ति का बचाव करते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम, हम ये सब देखते हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मानव सर। बिल्कुल, मेरी एक फ्रेंड थी हमारे सत्संग से जुड़ी हुई, और जब हम अध्यात्म में घुसते हैं तो हम अपना दिमाग इतना कहाँ यूज करते हैं, हमें नहीं पता होता। जैसे बोल दिया जाता है कि शास्त्र अपुरुषीय है, आज मैं भी सुनती हूँ, सोचती हूँ, आप लोगों को सुना ना, मैंने काफी एक साल तक सुना, चीजें समझ आई कि यार कोई किताब अपुरुषीय कैसे हो सकती, कोई ना कोई तो होगा लिखने वाला, लेकिन हमारे दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि अपुरुषीय है, तो आप मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये ऊपर से टपकी है, तो इज इट पॉसिबल, भगवत वाणी है। हाँ, भगवत वाणी है। और एक चीज और बोली जाती है कि तर्क वितर्क करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लॉजिकली देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, बोल दिया जाता है एकदम से कि नहीं, तर्क वितर्क आपको नहीं करना है, आप ईश्वर को नहीं पा सकते। तो वहां पे मैंने खुद फेस किया कि एक ब्राह्मण व्यक्ति, ठीक है, और उन लोगों का जैसे किसी के मुंह पे खून लग जाता है ना, ऐसी उनकी स्थिति है कि वो एक बार किसी का सेक्सुअल हरासमेंट तो छोड़िए, रेप करते हैं, वो सीधा रेप किया ईश्वर के नाम पे, ईश्वर के मंदिर के अंदर भक्त बन के, तिलक गले में, झोली माला है, एंटीना मतलब चोटी शिखा, ये सब कुछ, जनेऊ धोती कुर्ता, उनको देख के आपको लगेगा ओ हो पंडित जी आ गए। और वो लोग काम भी इस तरह का करेंगे, मतलब ये पूजा अर्चन, और जिनको हम गिरिराज जी बोलते हैं, एक्चुअल में गिरिराज कुछ नहीं है, वो पत्थर है, जिसके लिए मैं पहले बहुत रोया करती थी, फिर मुझे पता चला कि यार ये तो पत्थर ही है एक्चुअल में। माता सावित्री बाई फुले जी ने कितने अच्छे से बोला कि एक पत्थर ही तो उसको ऊपर तुमने सिंदूर चढ़ा दिया, क्या वो ईश्वर बन गया। बट हम लोग अध्यात्म में इतने बेवकूफ हो जाते हैं कि हम उस पत्थर को गिरिराज जी मानते हैं, और हमको सिखाया भी नहीं जाता है। जो मेरी गुरु माता ये कहती थी, गिरिराज जी है, 5 बार भोग लगेगा दिन में, तुमसे सेवा नहीं हो पाएगी, तो मैं रोती थी, अरे मैं सेवा क्यों नहीं कर सकती, मुझे तो इनकी सेवा करनी है। उसकी सेवा के लिए जॉब छोड़ने के लिए तैयार, घर बार छोड़ने के लिए तैयार, मतलब इस तरह की चीजें होती थी। तो वो जो लोग हैं वहाँ के, पर्सनैलिटी वाइज ठीक ठाक लगते हैं, पूरा उनका जो देखने में होता है, पूरे पंडित होते हैं, ठीक है, और फ्री की कमाई खाने की उनकी आदत है। और ऐसा एक मेरे सामने आया चीजें कि ईश्वर के सामने अपने मतलब खूब विश्वास दिला दिया, खूब झूठा प्रेम किया, और पत्नी पत्नी ये सब माना, और उसके बाद जो स्त्री वर्ग है उसके साथ यौन संबंध बनाए, और उसके बाद उसको ये बोला जाता है कि तुम्हारा मैंने शुद्धिकरण कर दिया, तुम इस पर्टिकुलर जाति से हो और आपका मैंने अब शुद्धिकरण कर दिया। वो भक्ति लाइन की स्त्री थी, ठीक है, वो 64 माला करने वाली, ये सब चीजें उसके गुरु वर्ग भी है, बट उसके साथ ईश्वर की आस्था के नाम पे, ईश्वर की मतलब उससे उसको विश्वास दिला के, उसको अपनी पत्नी पत्नी मान के, खूब उसको धोना धोना करके, कसम वसम खा के, और बुद्धि इतनी होती नहीं स्त्री वर्ग की, थोड़ी सी ना, मैं ऐसे नहीं बोल रही, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बट थोड़ा कोमल हृदय होता है, बह जाती है जल्दी, भक्ति में बह जाती है, हाँ कोमल हृदय होता है, बह जाती है, वो चीजें हो गई। और उसकी वजह से क्या होता है कि विश्वास कर लिया, फिर उसको बोला जाता है कि नहीं तुम्हारा तो शुद्धिकरण हो गया है, और मैंने तो तुम पर बहुत कृपा कर दी मैंने तुम पर कृपा कर दी, तुम्हारा शुद्धिकरण हो गया। और दूसरा पंडित उसी के समाज का बोलता है कि अगर तुमको कोई पंडित ब्राह्मण मार देता है तो तुमको वो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ये आज के समाज के शब्द है, मतलब सोसाइटी के, ये लोग क्या करते हैं, पत्थर को ईश्वर बना देते हैं, उसी के नाम से खाते हैं, उसी के नाम से 2 रोटी कमाते हैं, और उसी के नाम से लड़कियों का भी बहुत शोषण होता है। तो ऐसी सी चीजें हो रही हैं, और इनका कोई विरोध भी नहीं करता। मैं जब इन सब चीजों से जुड़ी हुई थी तो वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की, और उस वीडियो की सच्चाई मैं आपको बताऊं क्या होता है। उसमें दिखाई दिया कि कोई बूढ़ी स्त्री थी, बूढ़ी औरत, मतलब 50 के आसपास, ठीक है, तो वो लाठी लेके चल रही थी, मतलब एक लाठी लेके, और शायद उसको परिक्रमा करनी होगी या कुछ और। तो अचानक से एक यंग लड़का आता है और उसको वो उसका मुंह बंद करके और पीछे से उसको उठा लेता है, मतलब दोनों हाथों में उठा के साइड में ले जाता है। तो वो वीडियो जब मैं देखी मैं एकदम शॉक्ड हो गई, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हम धाम बोलते हैं, इसको धाम बोलते हैं, है ना।
आंखों में पट्टी बंधी है, हम तो कहते हैं ईश्वर का धाम है, यहाँ तो कृष्ण कैसे पैर पड़े होंगे, यहाँ तो ये वाली लीला, यहाँ तो वो वाली लीला ऐसे करके। तो फिर क्या होता है, उस औरत ने उसके हाथ में जो लाठी थी उसका यूज किया और उसको दो तीन लगाए, तो फिर वो भागा। लेकिन वो जो कैमरे के अंदर वो चीजें आ गई, अगले दिन क्या होता है कि वहां के लोग है ना इस चीज को देखते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ के पिटाई कर देते थोड़ी सी, ना कोई पुलिस केस होता है ना कुछ और होता है। तो क्या होता है, वहां के लोग है ना इस तरह की हरकतों को ना छुपा लेते हैं ताकि उनकी जो आमदनी है उस पर किसी तरह की अपना धंधा बचा लेते हैं। राइट राइट, धंधा बचा लेते हैं। देखिए मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपनी दिल्ली में भी ना रात को 11 बजे मैं मतलब घूम सकती हूँ अकेले अपनी अपने अपार्टमेंट के बाहर, अपनी सोसाइटी के बाहर, मुझे डर नहीं लगता इतना। लेकिन जब मैं धाम में थी ना वहाँ पे वृंदावन धाम आध्यात्मिक धाम, तो वहाँ पे ना 9 बजे मुझे बोल दिया जाता था जिस धर्मशाला में रुकती थी, जैसे भी जहाँ रुकते थे, कि आप ना इस टाइम ना रूम के अंदर आ जाना, घर के अंदर मतलब जो भी। तो मैं कहती अभी तो 9 ही बजे है, मतलब 9 भी नहीं बजे है, 8 बजे है। तो कहते नहीं नहीं यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। तो हम सोचते अरे ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे माहौल ठीक नहीं तो कहाँ माहौल ठीक होगा। ऐसा तो दिल्ली में भी नहीं, अकेली मैं रात को 11 बजे भी आई हूँ दिल्ली में कैब से बसों से, लेकिन वहां पे बोल दिया जाता। तो देखिए कितना गंदगी है, कितना गंध है, लेकिन ईश्वर के नाम पे बुरा हाल है, बुरा हाल बिल्कुल। देखिए मुझे जो दो चीजें जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा दिल को लगी, देखिए आप माला कीर्ति थी, आप पूजा पाठ करते थे, आप वैष्णव जीवन जीते थे, बिल्कुल एक सात्विक जीवन जीते थे, उसके बावजूद भी आपको रूम नहीं मिला। मतलब इसका क्या है कि जाति आप कुछ भी हो जाएं, जाति नहीं जाति आपके। ये जो दलित समाज है ना, ये जो अपने आप को बहुत हिंदू हिंदू समझता है और पूजा पाठ में रात दिन लगा हुआ है और पता नहीं क्या कौन सा मोक्ष इन्होंने प्राप्त करना है या फिर कौन सा इनको ब्राह्मण बन जाना है। तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, जो भी सुन रहे हैं, जो भी भक्ति मार्ग में घुसे हुए, जो भी बाबाओं के पीछे लगे हुए, आप रहेंगे तो दलित ही, तो इससे बेहतर है अपने समाज के साथ खड़े हो, अपने समाज के लिए लड़ो, अपने समाज के साथ जुड़ो। ये भक्ति मार्ग में देखो ये जो लड़की है ये किस हद तक जाके आई है, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने शोषण देखा वहां पे, इनके साथ हरेसमेंट हुआ, इनके साथ मानसिक प्रताड़ना इन्होंने झेली। तो मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि आप लोगों को थोड़ी सी अगर देख सुनकर अकल आती है तो प्लीज उसे संभाल के रखें, उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे ना मैं मानव सर एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जब मैं अध्यात्म से जुड़ी थी तब भी मैंने अपनी चलाई थी, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैं बाबा साहब को नहीं जानती थी और जो हमारे इतने सारे है हुए हैं क्रांतिकारी महापुरुष उनको भी नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने चीजें देख ली, अच्छे से जान ली, तो मैंने तुरंत धर्म चेंज किया। मतलब मैंने लास्ट ईयर 2022 ये है ना इसने बौद्ध धर्म अपनाया, और इस चीज की वजह से भी मेरे घर वाले थोड़े से मेरे से ऐतराज करते हैं कि तुम अपनी अपनी चलाती हो और तुम पहले कृष्ण भक्ति से जुड़ गई अब तुम बौद्ध धर्म से जुड़ गई। मैंने कहा मैंने बाबा साहब को पढ़ा, पहले मैंने बाबा साहब को बिल्कुल नहीं पढ़ा था, अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छे से चीजें समझ आ गई और अच्छे से समझ आती कि एक्चुअल में सोसाइटी में चल क्या रहा है। अभी भी मैं आपको बताती हूँ ना, मैं थोड़ा सा समय और लूंगी आपका जी। वो जो स्त्री हमारी दीदी जिसको हम गुरु बहन कह सकते हैं, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने तो उनका बुरी तरह के मतलब तरीके से किया है उसने, लेकिन जो उनके गुरु वर्ग थे ना उन्होंने भी अपनी नीचता दिखाई उनके साथ। मतलब जिस वक्त उनको बहुत जरूरत थी अपने गुरु से बात करने की, गुरु ने बोल दिया कि मेरे पास मत आओ, मुझसे कोई बातें शेयर मत करो, अपना काम अपने आप करो, ठीक है। और यहाँ तक बोला गया जो गुरु के एजेंट होते हैं ना वो भी बोलते हैं कि जो ये शरीर होता है ना ये एक कपड़ों की तरह है, अच्छा, कपड़ों की तरह है और ये हर जीवन में बदलता है और इसके लिए आप इतना दुखी मत होइए। अगर आपके साथ इस तरह की हरकत होगी तो दुखी मत होइए, ये तो शरीर एक कपड़ा है, नए जन्म में अगले जन्म दूसरा बन जाएगा। इस तरीके से चीजें तो बोली गई, ना उनको किसी ने सपोर्ट किया, ना उनको किसी ने सुना। और ये भी बोला गया कि आप है ना सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कृष्ण प्रेम। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए भगवत गीता के उस श्लोक का कैसे औरतों का शोषण करने में इस्तेमाल किया जाता है, वह ना कि आप तो शरीर नहीं, आप तो वस्त्र हैं, आत्मा है, आप तो आत्मा है, देह तो खत्म हो जाएगी लेकिन आत्मा अमर है, अजर है। हाँ, वो कपड़ों की तरह शरीर बदलती है।
तो आप शरीर से मोहन मत करें। आपका शरीर को कौन छू रहा है, आपका शरीर के साथ कौन खेल रहा है, आप इसकी परवाह ना करें। आप अपनी आत्मा को भगवान के साथ छोड़ें, आपको मोक्ष। हाँ जी बिल्कुल, ये बोला जाता है कि अगर आपके फेस पर, आपके चेहरे पे कोई थूक दे, आपके सर पे कोई शुशु कर दे, हाँ बाथरूम कर दे, पेशाब कर दे, और मतलब आपको कोई रेप कर दे, आपको कोई थप्पड़ मार दे, आपके साथ बुरे से बुरा काम हो, लेकिन आपको कृष्ण भजन नहीं छूटना चाहिए। ये उनकी वार्निंग्स होती है, ये जो आध्यात्म गुरु बने रहती है। बल्कि एक स्त्री वर्ग, मतलब जब हम उनसे जुड़े थे तो हमको लगा था कि बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है और जैसी नहीं है, बट अध्यात्म में ऐसे घुसती चली गई, वो खुद अंधविश्वास उन्होंने अपनाया और दूसरों को भी वही चीजें देना शुरू कर दिया। और एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताऊं ना, ये खुद के बच्चों को कभी इन चीजों में नहीं धकेलते, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, बाहर पढ़ाते हैं, अच्छी इंग्लिश सिखाएंगे, लेकिन जो गरीब के बच्चे होंगे ना, और खासतौर से हमारा समाज उछल चल के जाता है यहाँ पे, मैं भी उसके उसमें हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा दोषी मानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ समय बचा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसका सही यूज करूं, कि बाबा साहब का नाम लेने के लायक बनूं। तो क्या होता है कि उन लोगों के साथ उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई आपके लिए बस यही सब कुछ है, कृष्ण प्रेम। मैं ये कह रहा था कि जो मुझे इस संस्था के बारे में जो इनपुट्स मिले हैं, मुझे ये मिले हैं कि जो हम देखते हैं ना, बहुत सारे यूथ हैं जो गीता लिए चौराहों पे हमें खड़े दिखते हैं, या काफी सारे यूथ हैं जो कि इस संस्था से जुड़ते हैं, तो उसके पीछे एक मेन अट्रैक्शन जो है वो ये भी वर्क करता है कि इसके अंदर आपको जो अपोजिट जेंडर है उसके साथ इंटरेक्ट करने में भी, इंटरकोर्स करने का भी मतलब अवसर मिलता है वहां पर। मतलब उस चीज को ये बुरा नहीं मानते, मतलब एक इसको भी एक तरह से एक मतलब ये पार्ट है इनके मतलब कल्चर का, क्या ऐसा ये सच है? एक्चुअल में अर्पित सर इतना तो मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा हुआ था जब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई थी ना धामवास के लिए, मैंने भी सोच लिया था कि नौकरी नहीं करनी मुझे, शादी नहीं करनी और मुझे वृंदावन में यहीं पे रहना है। तो मेरी एक फ्रेंड थी भक्ति लाइन में ही, उसने मुझे अलर्ट किया, उसने मुझे बोला इतनी जल्दबाजी मत कर, तू वहाँ का माहौल नहीं जानती है, तुझे नहीं पता वहाँ किस तरह की चीजें होती है। वहाँ पे जो लड़कियाँ आती है ना, वो लड़कियाँ, उनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, बेचारी कहाँ जाएगी। मैंने सोचा था मैं स्कूल में टीचिंग कर लूंगी, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूंगी, तो क्या होता है कि वहाँ पे ना आपको सैलरी भी टाइम से नहीं मिलेगी, और जब सैलरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करोगे। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है, ये नॉर्मल हो जाती है, वो लड़कियां कहाँ जाएगी। फिर वो अपना अपनी अर्निंग के लिए इस तरह की चीजें करती हैं। मतलब मैंने ये सुना अपने फ्रेंड के थ्रू, उसने मुझे बोला कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कोई ये लड़कियां है, भक्ति लाइन वाली है, यंग है, इनके पास काम नहीं है, तो इनका इस तरह की ब्रेन वॉश हो जाता है कि यार भजन सब कुछ है, कृष्ण प्रेम ही सब कुछ है, चाहे आपके साथ कुछ भी होता है। शरीर क्या है, शरीर एक वस्त्र है, शरीर कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ भी होता रहे, कोई थूक दे, कोई मूत दे, कोई रेप कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इसको भी इसके अंदर रख लेती है कि यार अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा भजन पुष्ट होना चाहिए बस। तो ये चीजें होती है, तो मुझे बहुत एकदम शॉकिंग लगा मेरे लिए, तो मैं थोड़ा रुक गई। और फिर उसके बाद तो जो चीजें मैंने देखी, मैं ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानती, पहले बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा मानती थी, बट अब बिल्कुल नहीं मानती। और मैं प्रकृति का मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैं मतलब बाहर निकल आई, जिस टाइम बिल्कुल कूदने के लिए थी ना तैयार, एकदम कुएं में जैसे अंधेरे वाले कूदने के लिए तैयार है, तभी वहां की गंदगी मुझको दिख गई कि नहीं 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 यहाँ नहीं कूदना, बल्कि यहाँ से लोगों को बचाओ, खासतौर से जो दलित समाज की लड़कियां हैं, बिटिया है, उनको बचाओ। एक परिवार था, क्या होता है वो किसी बिहार साइड से ही, तो ना तो माँ बाप इतने पढ़े लिखे, ना लड़कियां ही पढ़ी लिखी, बिल्कुल अनपढ़, एक शायद दोनों बहनें में से एक थोड़ी सी पढ़ी लिखी होगी, तो दूसरी बहन बिल्कुल अनपढ़, इतनी अनपढ़ कि उसको नाम लिखना भी नहीं आता था, किसी का नाम सेव करना है मतलब उसको कुछ नहीं आता था। वो हमसे कहती थी दीदी आप ये लिख दीजिए, तो हम कहते थे तुझे ये भी नहीं आता, तो कह रही बिल्कुल नहीं पढ़ी, चलो। तो दोनों बहनें, एक लड़की का किसी से थोड़ा सा अट्रैक्शन था, लव अफेयर था, तो जो गुरु वर्ग होते हैं, जो गुरु माता होती है, ये ऐसे उनको बोलते हैं कि नहीं 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 इस चीज में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, नरक है ये तो, तुम्हारी भक्ति का पतन हो जाएगा, इन चीजों को छोड़ो, बिल्कुल कुछ नहीं रखा काम में, मतलब काम वास्ते में कुछ नहीं रखा, ये सब
इस तरीके से हो जाता है, वो बेचारी फिर उस चीज को छोड़ देती है, ठीक है, और फिर भक्ति में लग जाती है। और बताऊं क्या होता है, जब ये लड़कियां इस तरह की चीजें छोड़ देगी, अपना एक लवर को छोड़ दिया भक्ति लाइन, तो कुछ टाइम बाद ना एक नीड सभी के अंदर मुझे लगता है बायोलॉजिकली होती है, और फिर उसका ना कोई और फायदा उठाते हैं, खासतौर से वहां के बूढ़े खुसट वो लोग फायदा उठाते हैं। ऐसा मैंने देखा है, जब लड़कियां यंग है पहले तो छोड़ के आ गई, उसके बाद उनको महसूस होता है कि कोई हो, तो उनका फिर उस तरीके से अच्छे से हरासमेंट होता है, बड़े मतलब बूढ़े आदमी करते हैं वहां के लोग। बहुत बहुत विभत्स है मैम सच में। और ये जो मैंने एक वीडियो किया था बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने पढ़ा, जो मेरे सामने आया, जो मेल में था, वो बिल्कुल जो आप बता रहे हैं ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, और वो सच है। बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोगों की आंखें तब भी नहीं खुलती है। जब तक समझ में आती है ना, तब तक आपका जो पढ़ने लिखने का कुछ बनने का जो समय होता है ना, जो गोल्डन टाइम होता है आपका हर एक बच्चे के करियर का, वो जा चुका होता है आपके पास। फिर आगे फैमिली, फैमिली जिम्मेदारियां, शादी, बच्चे, ये सब रह जाता है। ये समाज पिछड़ा क्यों हुआ है, और क्यों युवाओं को इतना अट्रैक्ट किया जा रहा है, और क्यों वो ये सारा प्रोपगेंडा इतना चलाया जाता है, अध्यात्मवादी बनकर जो ये आचार्य प्रशांत जैसे लोग हैं, ये युवाओं को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? कारण यही है, आपको कहेंगे कि आपको मोक्ष पाना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमने बहुत सारे लोग यहाँ पे भी देखे कि वो इनके जाल से नहीं निकल पा रहे, वो अटके हुए हैं, नहीं निकल पा रहे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नौजवान लोगों को अटकाने के लिए इनके पास हर तरह का षड्यंत्र होता है, नए नए प्रोपगेंडे रचते हैं, नई नई व्याख्याएं रचते हैं धर्म ग्रंथों की, जहाँ पे कोई सवाल आता है वहीं पे घुमा देते, जलेबी बना देते, मतलब फंसा के रखना है अपने बाड़े के अंदर। इस समाज को ना तो पढ़ने देना है, ना आगे बढ़ने देना है। ये इनका पूरा का पूरा जो धर्म है इसी बेस पे टिका है, बस यही है। इस समाज को सिर्फ और सिर्फ अपना दास बनाए रखो, अपना गुलाम बनाए रखो, इसका भोग करो, उपभोग करो, उपयोग करो। और भी चीजें हैं बहुत सारी, मैं एक चीज और बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी ना, तो वहां पर अध्यात्म में जब हम होते हैं ना, तो हम इतना अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देते, मैं भी थोड़ी साधारण लड़की की तरह थी, आज तो बहुत अलग हूँ, तो बहुत साधारण सी थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गई, तो जो बाहर की विदेशी लड़कियां होती है, रशिया से, जापान से, चाइना से आती है, तो ये बेचारे, जब हम इस देश के होते हुए हम यहाँ का सच इतनी लेट जानते हैं, है ना, तो उन लोगों को क्या पता होगा कि यहाँ सच में है क्या, चल क्या रहा है। ये जो चार इन्होंने वर्ण व्यवस्था बना रखी है, हमें लगता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली में रहे ना, तो हमने नहीं देखा था। मैंने 12th तक बिल्कुल भी नहीं देखा था, उसके बाद मुझे समझ आया कि आखिर धीरे धीरे समझ आया कि चल क्या रहा सोसाइटी के अंदर। तो जब मैं पहली बार वृंदावन गई, तो वहाँ पे बहुत सुंदर थी वो विदेशी महिला, एक भक्त थी वो, और जो वहाँ का देसी लड़का था ना वहीं का भक्ति लाइन में, तो वो उसको कुछ इंग्लिश में वर्ड्स बोलता है, और मेरे सामने ही बोल रहा था, उसको लग रहा था कि उसको इंग्लिश नहीं आ रही मतलब आती। उसने उसको बोला कि यू वॉन्ट टू किल मी, तो उसने लड़की ने कहा वाई, तो कहता बिकॉज योर आईज सो ब्यूटीफुल, योर लुक इज सो हॉट, है तो मैं एकदम देख के हैरान, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मतलब तुम ईश्वर के मंदिर में धाम में अंदर बैठ के भक्त से इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि दूसरों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन चेतना का विकास नहीं हुआ था। एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई मैम, एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि जो विदेशी लड़कियां लोग बड़े खुश होते हैं कि देखिए इस कौन में या फिर वृंदावन में कैसे जो अंग्रेज लड़कियां हैं, गोरी लड़कियां हैं, वो कैसे झूमती हैं, नाचती हैं, ये बिल्कुल आपने सच कहा कि उन्हें नहीं पता है, क्योंकि हमें इतना टाइम बीत जाता है और हमारा इतना शोषण हो जाता है, तब भी हमें समझ नहीं आता, बहुत लोगों को नहीं आता समझ में, और जिनको आता है वो कुछ ना कुछ ठोकर खाते हैं, चोट खाते हैं, अपना शोषण जब उनका हो जाता है तब बहुत देर बाद समझ में आता है। तो ये है हिंदू धर्म की जो असलियत है, इसे समझना विदेशियों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अपने लोगों की समझ नहीं आता, और कमाल की बात है उनके समझ नहीं आता, कमाल की बात है उनकी समझ नहीं आता जिनका शोषण हो रहा है, उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारा शोषण होने लगा। नहीं आता। तो फिर वहाँ पे गुरु कुछ भी कहे, गुरु ने कहा कि माँ बाप मरते हो तो मरने दो, तुम्हें धामवास करना है, धामवास में तुम्हारा किसी भी तरह का शोषण हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता, और कोई बोले तो उसको बोल दिया जाता है कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं।
तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना ये अनुभव शेयर किया और भक्ति मार्ग में आप इतना डूबे हुए थे और फिर निकले और इतना कुछ देखा आपने जी। अच्छा मैम, चलते चलते ना एक संदेश हमारे समाज की बहन बेटियों को, आप क्योंकि आपकी जो अभी जो स्थिति है ना और आपकी जो बातें वो वाकई में प्रेरणादायक है बहुत, तो हमारे समाज के हमारे जो जो भटके हुए लोग हैं ये भक्ति मार्ग पे इतना डूबे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश ये है, देखिए कोई ईश्वर नहीं है पहली बात, तो ईश्वर के ड्रामों में बिल्कुल मत घुसना, ये धर्म वर्म कुछ नहीं होता, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और दलित समाज तो सिर्फ एक कहने वोट और वोट के लिए है हिंदू, ये है ही नहीं हिंदू, सबसे पहली बड़ी बात ये। और आपका अगर कुछ सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो है संविधान, भाई मैंने उसको जिया है, मैं सच बताऊं मुझे संविधान का नहीं पता था, मैं धर्मशास्त्र को हृदय से छाती से लगाए घूमती थी कि हाँ मेरे भगवान, हाँ मेरे भगवान, जब चीजें मुझे समझ आई तो सारे भगवान साइड हो गए, कोई नहीं था, संविधान मेरे साथ खड़ा था। तो तब मैंने बाबा साहब को पढ़ा और आज भी जब मैं उनको पढ़ती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और संविधान को मैंने 3 बार पढ़ा, उनके जो मौलिक अधिकार है उसको पढ़ा, तो मुझे समझा यार इतना कुछ देके गए बाबा साहब, अगर ये ना होते तो हम तो आवाज भी नहीं उठा सकते, मानवता तो थी नहीं, बाबा साहब ने दिया सब। तो संविधान को पढ़िए, अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्य को भी निभाइए। और सबसे बड़ा कर्तव्य आपका ये है कि भैया पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से चीजें समझो और खूब अच्छे अच्छे पदों को पाओ और मानवता को ही धर्म मानिए, ठीक है, इनमें मत घुसिए। मैं खुद UPSC प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा कम समय में अच्छे से सिलेक्शन हो जाए ताकि मैं बाबा साहब मतलब आंखों से आंखें मिला सकूं, मैं कुछ कह सकूं कि हाँ मैंने इतना जीवन अपना खराब कर दिया बट लास्ट में मैंने चीजों को समझा और कुछ बन पाई ताकि मैं अपने लोगों को भी अवेयर कर सकूं। तो इसलिए पढ़ाई ही सब कुछ है, शिक्षा ही सबसे बड़ा है। और बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी ना, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इससे डरने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। एक्चुअल में हम लोग बात करते हैं इन विषयों पर, लेकिन जब कोई एक्चुअल में जो विक्टिम है, जो इन सब चीजों में से गुजरा हुआ है, वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो काफी वर्थफुल होता है। उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि वो जो आंटी थी उनके सामने आपने जो भी आपकी काश थी या बाबा साहब की जो पिक्चर वहां पे लगी हुई थी वो सब आपने हटाया नहीं, छुपाया नहीं, हाँ अभी भी रखी हुई है, तो वो आपने हटाया नहीं छुपाया नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब हमें समझना पड़ेगा, एक्चुअल में जो हिंदुइज्म है वो शोषण तंत्र है एक दलित के लिए, वहां पर उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तो बजाय कि आप उसको अपनाने की सोचें, उसमें भक्ति मार्ग में जाके या किसी स्पिरिचुअलिटी में पढ़कर आप सोचें कि आप वहां पर ऊंचे उठ जाएंगे, आपको सम्मान मिल जाएगा, वो नहीं मिलने वाला है आपको। तो बाबा साहब ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। बोला आपने, एक रीजन ये भी रहता है, हम लोगों को लगता है कि हम अगर इस चीज में जुड़ेंगे तो हम थोड़े से मतलब रिस्पेक्ट हमको मिल जाएगी या हम थोड़े से ठीक था मतलब इनकी बराबरी हो जाएगी, थोड़ा रहता है ये माइंड के अंदर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत गंदगी है वहाँ के। अगर आप लोकल जो लोग है ना वहाँ के निवासी, आप मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि दूर से ना ये धर्म की नगरियां बड़ी अच्छी लगती है, पर यहाँ इतनी गंदगी है जितनी की जो एक जो ये होती है ना वैश्य वृत्ति करती है कोठे वोटे, वहां पे भी इतनी गंदगी नहीं होगी जितनी यहाँ पे गंदगी बसी हुई है। बस उसका जो ऊपर का आवरण है ना वो चमक दमक वाला है, अंध भक्ति वाला है, तो इसलिए कुछ नजर नहीं आता जी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं कहूंगा कि दोस्तों कि बाबा साहब ने जो जो ये जो नवबौद्धिज्म जो एक विकल्प के रूप में दिया है उसके पीछे रीजन यही है कि क्योंकि एक कल्चरल नीड होती है एक इंसान की ना, वो कहीं ना कहीं से उसको कल्चर लेना पड़ता है या डेवलप करना पड़ता है, और एकदम से वो डेवलप भी नहीं होता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें जोड़नी बिठानी पड़ती हैं। उसका एक पूरा रीजन यही था कि वो जो ये जो दलदल है इससे बाहर आ जाए और एक अपना कल्चर डेवलप करें। तो इसमें कोई भी शर्म वाली या छुपाने वाली बात नहीं, या कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है या ये कहता है कि आप अपनी कास्ट मत बताना या आप बाबा साहब की फोटो छुपा लो, ये बिल्कुल भी नहीं। आप अपना कल्चर डेवलप करें और उस कल्चर को इससे आगे लेकर जाएं, जो हिंदुज्म है इससे आगे लेकर जाएं, और आप ले जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो अंधविश्वास है वो वहां पर नहीं है, और आपके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है जी। इन्होंने जो कहानी जो बताई वो शायद
अब ये बाहर निकल चुकी है तो आज उनको थोड़ा आसान लग रहा होगा, पर मैं इतना कहूँगा कि जो फंसी हुई लड़कियां हैं और उनका जो शोषण अभी तक जारी है, और ये एक तरह का देवदासी प्रथा का ही एक रूप है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने, हम लोग देवदासी ही हो जाते हैं, हमारे नाम भी चेंज हो जाते हैं, रस्त की दासी, बस अलग अलग रंग बदलते रहते हैं, लेकिन स्त्रियों का खास करके बच्चियों का यौन शोषण के ये मार्ग बन जाते हैं। और अगर ये समाज ना समझे, और मुझे लगता है कि कुछ माँ बाप तो समझ के भी ये सब होगा, तो मजबूरी में या ईश्वर प्राप्ति कि इसको हमने ठीक है भाई बलि दे दिया, उसको देने के बाद तो हमारी जीवन की उन्नति होगी। तो ये सब चीजें जो है वो सुनने वाले अगर सुने, और कम और ज्यादा मात्रा में नहीं, मैं कहूँगा इक्वली जितने भी आश्रम चलते हैं वहाँ की यही कहानियाँ हैं। और आज तो ये दिन हो गए कि मर्दों के भी यौन शोषण होते हैं बच्चों के, और इस तरह से ये सब जो चीज है वो एक तरह का टॉक्सिक मैटर बन गया है, जहाँ पे पावर है, पैसा है, वोट बैंक से बाकी सब कुछ है, हवाला है और मदिरा है और ये है यौवन है। राधिका जी को मैं पहले क्या कहते हैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही ब्रेव लेडी हैं, एक तरह की वॉरियर हैं, इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया और शेयर किया है सब लोगों के लिए, और दूसरों का भी मार्गदर्शन करेंगी, अवेयरनेस फैलाएंगी आगे। दूसरी बात ये कि वहां से निकलना इतना मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये साइंटिफिक बेस्ड हैं, साइकोलॉजिकल बेस्ड हैं। ब्रेन वॉश करना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली एक रणनीति के तहत किया जाता है। आपको पता नहीं आप कैसे निकल आए, इसे बहुत बड़ी बात है कि आप इसे निकलवाएं। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर बेयर मिनिमम अगर कोई भी इंसान इन धर्म प्लेसेस पे जाना चाहता है या मंदिरों कहीं, इतना अगर वो बिलीव कर ले सिर्फ कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, तो उसका काफी कल्याण हो सकता है। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप उससे बाहर निकल आए, एंड आई होप कि आप इंस्पिरेशन होंगे बहुतों के लिए और अवेयरनेस फैलाएंगे। बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज है ये, और प्लीज लोगों को समझ आना चाहिए, लेकिन जल्दी से समझ नहीं आता, बट बहुत अच्छा है कि आप लोग इतना कर रहे हैं, इतना ये भी कोई कम नहीं है। देखिए 8:30 बजे स्ट्रीम शुरू हुई थी, 11 बज गए हैं, इतनी देर बैठना, लोगों को सुनना बोलना बहुत बड़ी चीज है, तो इसके लिए भी थैंक यू आपको, आप सभी को जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।